हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इसके ज़रिए भी आप अपने चेहरे के रंग को तेज़ी से गोरा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज चेहरे के रंग को गोरा करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने चेहरे पर आए काले दाग धब्बों को भी हमेशा के लिए हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर का। क्या आप जानते हैं कि मिल्क पाउडर आपके चेहरे के रंग को बेदाग और सुंदर बनाने का कार्य करता है। ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि वो अपने चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए बाजार में बिकने वाली महंगी क्रीमों पर बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है दूध पाउडर का उपयोग चाय बनाने के अलावा चेहरे के रंग को गोरा, चमकदार और बेदाग बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। मिल्क पाउडर त्वचा के दाग धब्बों, पिंपल्स के निशान को हटाने में काफ़ी लाभकारी साबित होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस पैक को किस तरह से बनाकर अपने चेहरे पर लगाना है कि आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिल्क पाउडर लेना है। आपको गाइस 2 चम्मच मिल्क पाउडर लेना होगा। सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल लेना है और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इस तरह से आपको 2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें ऐड करना होगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल हमारे चेहरे की सॉफ्टनेस को बनाए रखता है, चेहरे के रंग को निखारता है, चेहरे के रंग को चमकदार, गोरा, निखरा हुआ बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है और हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ, पिंपल्स तेजी से रिमूव करता है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा लेमन रस, 1/2 चम्मच आपको इसमें नींबू का रस ऐड करना होगा। नींबू का रस भी हमारे चेहरे पर आए काले दाग धब्बों को हटाता है, टैनिंग की कालेपन की परत को काटता है, चेहरे के ओपन पोर्स को क्लीन करता है जिससे हमारे चेहरे का रंग तेजी से रिमूव होता है। और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा रोज वाटर, 2 चम्मच रोज वाटर आपको इसमें ऐड करने हैं। चेहरे को गुलाबों की तरह चमकाने के लिए, चेहरे के कालेपन को हटाने के लिए, चेहरे को एकदम सुंदर, जवान, निखरा हुआ बनाने के लिए गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारा ये पेस्ट एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप इसमें एलोवेरा जेल या फिर शहद भी ऐड कर सकते हैं। आपको एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। बनाने के बाद आप इसे 2 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि हमने जो मिल्क पाउडर ऐड किया है वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आप अपने चेहरे पर इसे अप्लाई कीजिएगा। आपको इसे अपने चेहरे पर लगाने से पहले चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना होगा और अच्छे से पोंछ लेना होगा। उसके बाद आप इसे अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक आप चेहरे पर इसकी हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। उसके बाद लगाकर 20 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट के बाद आपको अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना होगा और आप देखेंगे कि कैसे आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट, मुलायम हो गई है, दाग धब्बे एकदम लाइट हो गए हैं, टैनिंग कैसे आपके चेहरे से हट गई है, कालापन कैसे आपके चेहरे से रिमूव हो गया है और आपका चेहरा कैसे एकदम से गोरा और निखरा हुआ हो गया है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है या फिर काले दाग धब्बे बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो वीक में 2 बार इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप इसके यूज से अपने चेहरे को हमेशा के लिए जवान, खूबसूरत, निखरा हुआ बना सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपने चेहरे के रंग को तेजी से गोरा करना चाहते हैं, जवान बनाना चाहते हैं तो एक बार इसका जरूर यूज करके देखिएगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तेजी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।